नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या होते हैं, आखिर इनके बीच में क्या अंतर होता है, इनका कार्यकाल कितनी होती है, इन सभी चीजों के बारे में मैं काफी डिटेल से वर्णन करने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ये कहाँ होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो दोस्तों लोकसभा पूरे देश में केवल एक होता है। वही अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा भी पूरे देश में केवल एक होता है। अगर विधानसभा की अगर बात किया जाए तो विधानसभा हर एक राज्य में केवल एक होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी राज्यों में एक एक विधानसभा होता है। वही दोस्तों अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो दोस्तों विधान परिषद पूरे देश में सिर्फ 6 राज्य में ही होता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना शामिल है। और दोस्तों ये जितने भी विधानसभा हैं, चाहे विधान परिषद है, लोकसभा और राज्यसभा, ये घर के कमरे की तरह होते हैं जो कि हर एक राज्य और देश के अंदर होते हैं। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा सांसद या एमपी कहते हैं, और एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। वही अगर बात कर लिया जाए राज्यसभा का, तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा सांसद या इन्हें भी एमपी कहा जाता है, और एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रहे आपको कि लोकसभा या राज्यसभा का अगर कोई सांसद है तो उनके पहले सांसद कहने से पहले लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद कहना जरूरी होता है। वही अगर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बात कर लिया जाए, तो दोस्तों विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है विधायक या एमएलए, जिसमें एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वही अगर विधान परिषद के सदस्यों की बात किया जाए, तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों को हिंदी या अंग्रेजी दोनों में एमएलसी बोला जाता है, और एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को कैसे चुना जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा के सदस्यों के बारे में। दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव देश के जनता के द्वारा लोकसभा के चुनाव में किया जाता है। वही दोस्तों अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात कर लिया जाए, तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं राज्य के विधायक या एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, और ये राज्यसभा का जो चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता के सामने नहीं होता है। और आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है। वही दोस्तों अगर विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की बात कर लिया जाए, तो दोस्तों विधान परिषद के कुल सीटों का 1/3 भाग जो होता है राज्य के विधायक या एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 भाग राज्य के अंदर कार्यरत सरकारी शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 भाग जो होते हैं राज्य के अंदर जितने भी स्नातक किए हुए हैं, जिनके स्नातक किए हुए लगभग 3 साल हो गया है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। वही 1/3 भाग ग्राम पंचायत, नगर निगम तथा नगर पालिका इत्यादि स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 भाग जो सदस्य होते हैं राज्यपाल के द्वारा विज्ञान, साहित्य, कला इत्यादि में विशेष ज्ञान रखने वालों को चुना जाता है। आइए दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अगर लोकसभा की बात किया जाए, तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 552 होती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा वर्तमान में अभी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। वही दोस्तों अगर राज्यसभा की बात किया जाए, तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वर्तमान में बात किया जाए, तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। वही दोस्तों अगर विधानसभा के सदस्यों की बात किया जाए, तो दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की संख्या विधानसभा क्षेत्रों पर निर्भर करती है, जितना विधानसभा क्षेत्र रहेगा उतना विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वही अगर बात कर लिया जाए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य के अंदर जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उसका 1/3 तथा 40 से कम नहीं हो सकता है। अभी भारत में 6 ही राज्य में विधान परिषद है जिसके सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सीटों की संख्या 100 है, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है तथा तेलंगाना में 40 है।
आइए दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पहले भी भंग कर सकता है। और लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। वही अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और यह एक अस्थायी सदन होता है। वही दोस्तों अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। लेकिन दोस्तों किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। और विधानसभा जो होता है यह एक अस्थायी सदन होता है। वही अगर विधान परिषद की बात कर लिया जाए तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है, लेकिन यह भी राज्यसभा की तरह एक अस्थायी सदन होता है, अर्थात इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए। तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 साल उम्र होना चाहिए और साथ ही साथ भारत का भी नागरिक होना चाहिए। अब राज्यसभा की बात किया जाए तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही अगर विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 साल उम्र होना चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी उम्र 30 साल होना चाहिए, कम से कम हम बता रहे हैं, अधिक से अधिक कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कि सदन के नेता का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों लोकसभा में सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है और वही लोकसभा के सदन का नेता कहलाता है। वही दोस्तों अगर राज्यसभा के सदन के नेता के चुनाव की बात किया जाए तो दोस्तों राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं इनके सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदन के नेता का चुनाव होता है। विधानसभा के नेता की अगर बात किया जाए तो दोस्तों सत्ता दल के जितने भी विधायक या MLA होते हैं उनके द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है जिसका मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है और वही विधानसभा के सदन का नेता होता है। वही दोस्तों अगर विधान परिषद के सदन के नेता की बात कर लिया जाए तो दोस्तों विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं वे अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को विधान परिषद के सदन का नेता चुनते हैं। दोस्तों आखिरी जो टर्म बचा हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं यानी स्पीकर होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों लोकसभा में जितने भी सांसद होते हैं वे अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर चुन लेते हैं। तो राज्यसभा के अगर स्पीकर की बात कर लिया जाए तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर विधानसभा की बात कर लिया जाए तो दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य जितने भी होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुन लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर विधान परिषद के स्पीकर या अध्यक्ष की बात किया जाए तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं इनके द्वारा भी अपने में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर चुन लिया जाता है यानी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनके कार्यकाल कितना होता है, इनके बनने के लिए उम्र कितनी होती है इत्यादि सभी टर्मों के जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूं। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और आपके मन में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा क्योंकि आपकी एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।